नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गौतम आज आपको बहुपदों का जोड़ना बताऊंगा, एडिशन ऑफ पोलोनिम्स। तो इसमें जो है एक्स और या तो वाई के पदों में होते हैं, मतलब बहुपद, उनको हम कैसे जोड़ते हैं या फिर किस तरह घटाते हैं और गुणा करते हैं, मतलब कि बहुपद का जोड़ना और मैं यहाँ पर बहुपद का घटाना और इसमें बहुपदों की गुणा करनी बताऊँगा कि गुणा किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं बहुपदों को जोड़ने बताऊंगा कि जोड़ते कैसे हैं। इनका यूज जो है सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सभी क्लासों में आता है, 7th, 8th, 9th, 10th और आगे तक की क्लासों के लिए, क्योंकि ये तो बेसिक है। मैंने पार्ट वन बनाया इससे पहले, तो पहले आप पार्ट वन को देखना, मैथ का, मैथ बेसिक। अब ये पार्ट टू है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने का निशान लगा हुआ है बीच में। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसे ही, और प्लस का 1, मतलब कि ये सारा इसी तरह उतारेंगे, और फिर प्लस लगा के, मतलब क्योंकि ये वाला प्लस होता है, क्योंकि मैंने पार्ट वन में बताया था कोई साइन नहीं लगाता, वो प्लस बन जाता है। अगर प्लस है तो प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई, प्लस आता है इसलिए। और ये वाला इसी तरह आ जाएगा 2x स्क्वायर, ओके। या सबसे सिंपल तरीका, इस वाले को ऐसे लिखो, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ही लगा के ये वाला सारा उतार देना यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये ऐसे ही उतार लेना है जो का, तो ओके। और उसके बाद में, जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में करा था सॉल्व, कि जो एक जैसी घात के हैं वो आपस में सॉल्व होते हैं, जैसे कि इन सभी में देखेंगे एक जैसी घात के कौन सा, एक तो ये वाला है 2x स्क्वायर और एक ये है, ये वाला कितना, एक है। तो ये वाला एक है ना, क्योंकि एक छुपा रहता है सबके आगे, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब पीछे वाला ऐसे ही है ना कि 4 पावर कर लेंगे, मतलब घात तो पीछे की रहेगी, 2 और 1 को जोड़ लेंगे 3, क्योंकि सबसे पहले बड़ी घात का लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी पावर का, मतलब घात, मतलब कि अब उसके बाद x वाला, मतलब कि एक ये है 5x और एक ये है 7x, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2x, समझ आ गया होगा क्योंकि पार्ट वन आपने देखा होगा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, इन दोनों में देखते हैं ज़्यादा किसका, मतलब इसके ज़्यादा अंक, तो इसका साइन लगा देते हैं। और कितना ज़्यादा, 5 से 2, अगर ना पता चल रहा इधर साइड में बता रहा हूँ, जैसे कि भाई 5x और माइनस का 7x, इस तरह के पार्ट वन में मैंने बताया है मैथमेटिक्स का जो बेसिक है। तो यहाँ पर ये माइनस का और ये वाला प्लस का है, तो ज़्यादा इसके, इसका साइन कितने ज़्यादा, इससे 2 ज़्यादा, तो 2x आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है माइनस का 2x लिख लेंगे। उसके बाद नंबर, नंबर को मतलब कि 1 है और माइनस का 4 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 और 4 है, साइड में बता रहा हूँ मैं कि भाई 1 है और माइनस का 4 है। तो इनको सॉल्व करते हैं, मैंने पार्ट वन में बताया कि ये प्लस का है, इन दोनों में ये वाला ज़्यादा अंक, तो इसका साइन कितना ज़्यादा, इससे 3 ज़्यादा, इसलिए माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये जोड़ना समझ आया हो। तो इसमें मैं क्वेश्चन मतलब 5 करके दिखाऊंगा इसी तरह के, और 5 ही घटाने के और 5 ही गुणा के बताऊंगा, मतलब कि मल्टीप्लाई के। और उसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं डिवाइड करने, मतलब बहुपदों को जो डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, वो कैसे, उसके मैं कम से कम 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो इजी नहीं है, वो हार्ड है, इसलिए वो ज़्यादा सिखाने पड़ेंगे मुझे। अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो आपको मैथ बहुत इजी लगने लगेगी, बहुत आसान लगेगी। तो अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, इससे क्या आपका ही फ़ायदा है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। अब जो है यहाँ पर करते हैं, मतलब इसे और इसको जोड़ना है, तो ध्यान से समझना है। इस वाले को हम ऐसे लिखेंगे 2x की पावर 3 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1, ओके। फिर प्लस है तो ये सारा ऐसे उतार लेना, प्लस लगा के ये सारा हम ऐसे ही उतार लेंगे, तो x की पावर 3 और -3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 7, ओके। अब इसमें जो हम वही काम करेंगे जो पीछे करा है, मतलब कि सबसे बड़ी पावर वाला,
सबसे बड़ी घात मतलब कि घात जो होती है जो एक्स के ऊपर लगी होती है वो होती है, जैसे एक्स के हो या वाई के किसी नंबर के ऊपर कोने पे जो लगी होती है उसे घात कहते हैं। जैसे 3 घात का एक यह है और एक यह है, अगर मान लीजिए भाई इनमें पूरे में 3 घात का एक ही होता है तो पहले इसको लिखते हैं, अगर इसके जैसा है तो उसे उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। ओके, जैसे कि 2 घात का और 1 घात का ये है, एक है ना यहाँ पर क्योंकि एक छुपा रहता है, तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x की घात 3 पीछे, ऐसे ही मतलब ये तो ऐसे ही रहना, 2 और 1 3 हो जाएगा। उसके बाद उससे छोटी घात मतलब 3 घात के बाद छोटी घात का 2 घात वाला, मतलब कि एक तो ये है और एक ये वाला है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 4x स्क्वायर। क्यों लिखेंगे वो बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसी घात के हैं, ये वाला कितना 1x है, एक छुपा रहता है ना, एक ये और ये 3। तो मैंने पार्ट 1 में बताया कि दोनों अगर माइनस होते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं और इसके अंक जो उन्हें प्लस कर देते हैं, जैसे 3 और 1 को 4 कर लेंगे, मतलब दोनों माइनस माइनस साइन और अंक इसके जोड़ेंगे 4x। और इसी तरह ये माइनस का 2 है, क्योंकि भाई बड़ी घात का होगा छोटी घात का 2 घात का, अब 1 घात वाला मतलब कि ये है और एक ये वाला है, तो इस वाले को हम इसके साथ सॉल्व करके यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो माइनस का 2x और प्लस का ये कितना, 1 है ना, एक छुपा रहता है, तो इन दोनों में अगर देखो भाई दोनों माइनस हैं तो माइनस लगा के और जोड़ देते हैं। पार्ट 1 में मैंने बहुत ही विस्तार से बताए हैं, अगर एक माइनस एक प्लस है तो देखते हैं जो ज़्यादा है उसका साइन, अंक ये वाला ज़्यादा है इसका साइन कितना ज़्यादा है इससे, 1x है, एक ही तो ज़्यादा है, तो 1 मतलब कि 2 में से 1 को हम घटा के पता लगा लेंगे, 1 ज़्यादा। अब यहाँ पे 1 लिखना जरूर नहीं है कि 1x, क्योंकि एक छुपा रहता है जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया मैथमेटिक्स मैथ के। और अब नंबर की बारी है, क्योंकि बड़ी घात छोटी घात एक्स वाले पद हो गया, अब हो गया नंबर, नंबर में माइनस का 1 है और प्लस का 7 है, तो इनमें देखेंगे जो ज़्यादा अंक उसका साइन, ये ज़्यादा इसका साइन कितने ज़्यादा, 7 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है ना, मतलब 1 से 1 कितना ज़्यादा है, 7, 6 ज़्यादा है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसी तरह इस 3 वाले को सॉल्व करेंगे, आपको जो है मैथ बहुत ही इजी लगने लगे, गणित क्या आप एकदम क्या कहते हैं मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, आपको गणित पर महारत हासिल कर लोगे अगर ये आपने सीख लिए। तो इसी तरह हम इन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब मैं बेसिक बता रहा हूँ जो कि शायद यूट्यूब पे आपको मिले इस तरह का। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। ओके, ये सारा मतलब कि ऐसे ही उतारना होता है, फिर प्लस लगा के, क्योंकि ये वाला प्लस होता है, अगर यहाँ माइनस होता तो इस वाले साइन को लिखते हम सारा। ओके, तो ये वाला हम ऐसे उतार लेंगे, x² + 7x और -6, और इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी घात का, तो बड़ी घात का 3 घात है सबसे पहले, तो 3 घात के जैसा और कोई होता तो उसे सॉल्व करके लिख लेते, ना है तो इसे लिखेंगे, जैसे कि जैसे यहाँ पर इस वाले में 3 घात का एक ये था और एक ये था, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमने यहाँ लिख लिया। अगर भाई यहाँ पर नहीं है, नीचे वाले में तो नहीं है 3 घात का, इसके जैसा और नहीं है ना 3 घात का, तो नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले ही, क्योंकि बड़ी पावर आती है पहले, उसके बाद उससे छोटी घात का मतलब 2 घात का, 2 घात का एक तो ये वाला है, और है कोई, और इसमें 2 घात का नहीं है, घात मतलब ये जो कोने पे लगी है, तो इसके जैसा नहीं है तो हम इसको उतार लेंगे यहाँ पर, मतलब +x². एक चीज़ याद रखो भाई, अगर यहाँ पे पहला वाला अंक है तो वहाँ पे प्लस लगाते नहीं है, अगर बीच में है तो प्लस शो करना जरूरी होता है, लगाते हैं, पहले वाले नंबर पे नहीं लगाते, अगर लगा भी दोगे तब भी गलत नहीं है, वैसे लगाते नहीं है। और भाई बड़ी घात का फिर छोटी घात का उससे बाद छोटी घात उससे मतलब उससे स्मॉलेस्ट, तो ये एक्स वाला है और एक ये है एक्स वाला, क्योंकि भाई 3 घात 2 घात अब 1 घात का यही था, एक पावर होती है ना इसके ऊपर, तो 5 है और प्लस का 7 है, तो ये पता होगी कि आपको 2x हो जाएगा। पार्ट 1 आप जरूर देख लेना, जिससे कि आपको बहुत इजी लगेगा ये। तो -5 + 7 है, तो +2, क्योंकि प्लस के ज़्यादा प्लस साइन इसके ज़्यादा है ना, कितने ज़्यादा, 5 से 2 ज़्यादा है, तो इसलिए हमने लिख लिया 2x। और यहाँ पर जो है +2 और -6, तो इनको जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो ये माइनस का ये प्लस, तो यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ, साइड में समझा दे रहा हूँ अच्छे से कि भाई +2 है और -6 है, तो यहाँ आएगा -4। क्यों आएगा वो बता रहा हूँ, क्योंकि
क्योंकि इसका साइन इधर है प्लस और ये वाला माइनस। तो अगर एक माइनस एक प्लस है उसका अंक देखते हैं, मतलब अंक किसका है ज़्यादा, तो इसका साइन कितना ज़्यादा है घटा के पता लगा लेंगे कि भाई चार ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का चार। ओके, तो अब जो है हम इस वाले को काटते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इस वाले को करें तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले को हम ऐसे उतार लेंगे, 2x³ प्लस का 4x माइनस का 7 और प्लस का ये वाला ऐसे उतार लेंगे। अब आपको ये इजी लगने लगेंगे, इसके बाद घटाने बताऊंगा और फिर गुणा करने, उसके बाद पार्ट 3 में जो है डिवाइड बताऊंगा। तो ये पार्ट 2 बनेगा अब, जो भी मैं अपलोड करूंगा, मतलब इसको बना रहा हूँ बहुपद का जोड़ना और घटाना और गुणा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बड़ी घात वाला, मतलब 3 घात का ये है, इसके जैसा और है नहीं है, तो नहीं है तो इसको लिख लेंगे सबसे पहले 2x³। इसके बाद इससे छोटी घात का, छोटी घात का कौन सा है, एक ये है, यही तो है, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पर प्लस का 2x। अगर बीच में लिखते हैं प्लस तो लगाना ज़रूरी है, जैसे कि पहले अंक है नहीं लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। अगर इसके जैसा 2 घात का कोई और होता है यहाँ पर, मान लो कि x² और होता तो x² जुड़ जाता, 3 हो जाता, फिर नहीं है तो ना लिखेंगे। अब उसके बाद क्या, ये वाला और ये वाला x वाला, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाई माइनस का x आएगा, क्योंकि भाई माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस साइन कितने ज़्यादा हैं, 4 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा ना, तो 1x लिखेंगे। इस तरह ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 6 है, तो ये भी आपको पता चल गया होगी कितना आएगा, माइनस का आएगा 1, क्योंकि ज़्यादा इसके, इसका अंक ज़्यादा ना, इसका साइन कितने ज़्यादा, 6 से 1 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक और करते हैं हम 5th, तो इसे और कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x³ -6x और माइनस का 4 और प्लस लगा के सारा ऐसे ही हमको उतार देना होता है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया है। सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे पूरे में, बड़ी वाला ये है तो x³ लिख ली। उसके बाद छोटी घात का, छोटी घात का ये है फिर, क्योंकि 2x² का है ना, तो इस वाले को लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस का हो जाएगा x². इसके बाद इससे छोटी घात का, एक ये वाला है और एक ये है, तो ये वाला हो जाएगा भाई माइनस का 7x। अभी मैं समझाऊँगा इसे अच्छे से, क्योंकि माइनस का 6x है, यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, माइनस का 6x और माइनस का x। तो ये मैंने पार्ट 1 में बताए थे मैथ का जो बेसिक है, कि भाई दोनों माइनस है, ये भी माइनस, ये भी दोनों माइनस, माइनस साइन लगाओ सबसे पहला काम। और 6 ये है और ये वाला x कितना, 1 है, तो 6 और 1 को जोड़ दो 7x, तो इतना लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख लिया है। अब उसके बाद नंबर की बारी, भाई नंबर ये है और एक ये है, तो यहाँ भी मैं समझा देता हूँ अच्छे से, कि माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे जो ज़्यादा उसका साइन, मतलब ये माइनस का, ये प्लस का ज़्यादा, ये इसका साइन कितने ज़्यादा है, 1 से कितना ज़्यादा है, 3 तो ज़्यादा है, पता कैसे लगा, घटा दो बड़े में छोटे घटा दो, तो यहाँ पर जो है माइनस का जाएगा 3, जब इसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे बहुपदों का घटाना, तो आई होप वो आपको समझ आए हों बहुपद का जोड़ना। अब हम इनको घटा लेते हैं, मतलब कि जैसे वो मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे, इसी तरह बहुपद के घटाने के 5 बताऊंगा और गुणा के भी। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ओके, मतलब ये पूरा ऐसे लिखना है फर्स्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसे हम ऐसे उतार लेंगे, ओके। अब अगर ये माइनस है बाहर और ये वाला क्या प्लस होता है, बताया था कि कोई भी अंक जो है उसके आगे नहीं लगा साइन तो प्लस मान जाता है, तो जो माइनस प्लस का रूल होता है वो इसमें लगता है, क्योंकि मैं यहाँ साइड में ही समझा दे रहा हूँ कि भाई अगर माइनस की, मैं ब्रैकेट लगा के दिखा रहा हूँ, ब्रैकेट हो या गुणा हो बात तो एक है, माइनस की अगर हम गुणा करें, माइनस में तो होता है प्लस साइन, अगर प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस होता है, माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस, अगर प्लस साइन की गुणा करते हैं प्लस में तो होता है प्लस साइन, इस चीज़ का ख्याल रखना। और एक ज़रा सी चीज़ और समझना, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में बताया ब्रैकेट हो गुणा हो या इनटू, इन तीनों का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब भी ठीक है।
तो यहाँ देखो घटाने में बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि भाई ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट का मतलब क्या, गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो रूल क्या लगेंगे ये, मतलब प्लस है ना, तो हम माइनस की पहले इसमें गुणा करेंगे, पहले चिन्हों की चिन्ह में करते हैं, तो माइनस की प्लस में गुणा, माइनस की प्लस में गुणा, तो माइनस हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस। सही है, ये तो हमने ऐसे उतार लिया, जो कि तो माइनस प्लस माइनस, अब ये वाला हम ऐसे उतार लेंगे एक्स स्क्वायर जो है, ओके। इसी तरह फिर इसकी होएगी यहाँ पे गुणा, माइनस की प्लस में, माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस साइन होएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा, और टू एक्स जो है वो तो ऐसे ही रहना, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। फिर इसी तरह इस वाले की हो जाएगी यहाँ पर गुणा, पहले चिन्हों की करते हैं, फिर नंबरों की करते हैं, नंबर की नंबर में, फिर एक्स वाले पदों की करते हैं, तो माइनस के माइनस में करेंगे गुणा तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। ये मैं सोचना है कि यहाँ तो गुणा लगी ना रखा कहीं पे, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, क्योंकि आपको कोई बताएगा भी नहीं कि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये सिक्स तो ऐसे रहना, ओके। एक तो सिंपल तरीका यह है कि भाई भाई माइनस बाहर है तो ये रूल लगा लो, अगर भूल जाते हैं हम कि भाई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा, भूल जाते हैं, तो अगर बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर के साइन बदल दो, क्योंकि देखो ध्यान समझना, ये वाला हमने ऐसे ही उतार लिया यहाँ तक का, मैं उंगली छिपा रहा हूँ, यहाँ तक का लिख लिया, ये वाला लिखना, तो ये प्लस का है ना, प्लस वाला माइनस कर दो, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, मतलब कि साइन बदल दो, अगर बाहर माइनस है तो इसके साइन बदल दो, इसे कर लो माइनस, प्लस वाले को माइनस, अगर माइनस है तो प्लस कर लो, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस कर लेते हैं, या प्लस है तो माइनस होएगा, मतलब साइन बदलना, क्यों बदला जाता है, क्योंकि ये रूल है, ओके। आई होप आपको ये समझ आया हो अच्छे से, अगर अच्छे से समझ आया तो अभी फौरन लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ आया है नहीं आया, तो उसके बाद में पता है वही रूल लगेगा जो कि यहाँ पर ऐड में करा था, क्योंकि भाई हमने ये तो कर दिया है जैसे कि यहाँ पर करा था ना हमने जोड़ने में, कि भाई एक जैसे घात के जोड़े थे करे थे ना, तो सेम टू सेम यहाँ भी ऐसा ही होना है, घटाने में भी ऐसा ही होगा, तो हम साइन बदल देंगे अंदर वाले, और ये वाला मतलब दो घात का, और ये भी दो घात है ना, ये ना कि इसके आगे दो होना चाहिए, दो नहीं जो कोने पे है, क्योंकि कोई भी नंबर के जो कोने पे होती है ना उसे कहते हैं घात या पावर्स कह लो, ठीक है। तो ये वाला कितना, एक है एक छुपा है, तो दो में से जब एक को, क्योंकि इसका ज़्यादा इसका साइन, पहले वाले नंबर पे साइन भी नहीं लगाते, ये बता दिया मैंने कि दो में से जब एक को हटाएंगे बचेगा एक एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने लिख लिया एक एक्स स्क्वायर। बड़ी घात के बाद छोटी घात का होगा, मतलब कि एक्स वाला एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों माइनस हैं तो क्या साइन आता, माइनस आता है, अगर दोनों होते हैं माइनस माइनस ही तो साइन आता है, मतलब जैसे पीछे जोड़ घटा करा था ना, जो पार्ट वन में मैंने बताया विस्तार से, वो ही करना है यहाँ पर, दोनों माइनस माइनस साइन, पाँच और दो को जोड़ेंगे सात एक्स हो जाएगा, इसी तरह माइनस का छः और प्लस का छः, यहाँ भी यही जो ऐड करने में करा हमने, प्लस माइनस का रोल, जो ज़्यादा उसका साइन, ये ज़्यादा इसका साइन, कितने ज़्यादा इससे, पाँच ज़्यादा होगा, कुछ नया है, कुछ नया नहीं है, बस नया क्या, अगर माइनस है तो अंदर के साइन बदल दो, जो प्लस है उसे माइनस कर लो और माइनस है उसे प्लस कर लो, या फिर ये वाला रूल लगा लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, जोड़ना तो वैसे ही है एक जैसे घात के, इस वाले को सॉल्व कर लेंगे माइनस प्लस के रूल वाला, और ये दोनों प्लस का फाइव, तो आई होप ये आपको समझ आए हो, और अब इसी तरह हम नीचे करेंगे, मतलब इन वाले रूल को लगा लेने तो आप, या फिर माइनस है बाहर अंदर के साइन बदल देना, कहीं भी ब्रैकेट हो, जहाँ भी हो ब्रैकेट, उससे पहले माइनस है तो अंदर के साइन बदलने ही है होते हैं, क्यों बदलने होते हैं, क्योंकि ये गुणा होती है, ब्रैकेट का मतलब गुणा, अंदर गुणा करते हैं ना इसीलिए, तो यहाँ पर भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये वाला सारा ऐसे ही उतार लेना हमें, ओके। तो इस वाले को हम ऐसे ही लिख लेंगे एक्स पावर थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस का टू एक्स माइनस का फाइव, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल देते हैं, बताया है ऊपर भी, या फिर इसकी हम गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ऊपर लिखा है मैंने रूल, माइनस माइनस प्लस, या फिर अंदर के साइन बदल लो, माइनस है तो प्लस कर ले, ये वाला ऐसे ही जाएगा, माइनस प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस होता है, माइनस ऊपर लिखा है, और यहाँ पर है टू एक्स स्क्वायर,
माइनस प्लस होता है माइनस, थ्री एक्स एस सी आ जाएगा, और माइनस की प्लस में गुणा करते हैं माइनस आता है सिक्स एस सी आएगा। या तो गुणा कर लो या अंदर के साइन बदल दो इन वालों को, और नीचे लिख दो अंक ना बदलने कभी, अंकों को भी बदल दो आप, मतलब कि साइन बदलने सिर्फ चिन्ह। उसके बाद में जो ऊपर करा है या ऐड करने वालों में करा सेम वही प्रोसेस करना है, मतलब कि सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी भाई एक ये है और एक ये है, तीन घात वाली है ना सबसे बड़ी, तो तीन घात वाली ये वाला कितना, तीन घात का एक है, मतलब है तो एक ही ग्रुप, और ये वाले भी एक है, तो एक और एक कितना होगा दो होगा। इसके जो दो के पीछे है इसे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एक एक होगा ना दो, और एक्स घात तीन है वो ऐसे ही रहेगी, बड़ी घात होगी तीन घात का, उसके बाद छोटी घात का, घात मतलब ये जो कोने पर लगी है इसे कहते हैं, मतलब कि ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस वाला रूल वही लगेगा कि दोनों भाई माइनस है तो माइनस साइन लगा देते हैं, छः को और दो को जोड़ देते हैं आठ हो जाता है, मतलब दोनों माइनस माइनस साइन अंक जोड़ेंगे। ओके, अगर कम ज़्यादा वाला सिस्टम है देखो ये आगा, मतलब कि एक कम है एक ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा अंक है उसका साइन ये ज़्यादा है ना इसका साइन, क्योंकि ये वाला इसके साथ ही सॉल्व होगा ना कि ये वाला इसके साथ होएगा, ये इसके साथ मतलब एक जैसा, एक घात का, तो ये वाला इसके साथ ही सॉल्व, तो ये कितना माइनस के ज़्यादा, माइनस साइन कितने ज़्यादा एक्स ज़्यादा, क्योंकि तीन में से दो घटाएंगे एक एक्स, इस तरह माइनस पाँच है और माइनस का सिक्स है, तो दोनों माइनस हैं, जैसे ये भी माइनस ये भी, तो माइनस साइन लगा के पाँच और छः को कर लेंगे ग्यारह, इलेवन एक्स इलेवन हो जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर, इसी तरह इनको सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको अब समझ आए हो, कुछ समझ आए हो, तो और अच्छे से आ जाएंगे अभी मैं नीचे सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि इसमें से इसको हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है, सही है, बीच में माइनस लगा घटाना, अगर प्लस लगा तो जोड़ना हो जाता है, कोई साइन नहीं लगा तो वो गुणा हो जाता है। अब सबसे पहले इसे कर लेते हैं, एक्स की पावर थ्री माइनस का टू एक्स माइनस का सिक्स, अगर ये माइनस है ना बाहर, माइनस है तो ये साइन बदल देंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, या ऐसे कह लो माइनस का था तो प्लस कर दिया, टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस, और थ्री एक्स ऐसे ही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और टू ऐसे ही, या फिर समझो जो प्लस माइनस था उसे प्लस कर लिया, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, साइन बदलने होता है कब, जब बाहर माइनस हो। ओके, तो आपको यहाँ पर मैं बहुत ही विस्तार से, मतलब विस्तार होता है मतलब एकदम खोल के इजी तरीके से समझा रहा हूँ, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाए, या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात पूरे में सबसे बड़ी ये तीन घात का है, तो इसे लिख लेंगे, इसके जैसा और कोई होता तो जोड़ लेते, जैसे कि भाई यहाँ पर ये एक जैसे थे तीन घात के तो जोड़ लिए, अगर नहीं है पूरे में तो पहले इसे ही लिख लो बड़ी घात का, क्योंकि इसके जैसा है ही नहीं कोई, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटी घात का कौन सा है, मतलब तीन घात के बाद दो घात होती है ना, तो दो घात का ये है सारा, तो इस सारे को यहाँ उठा के रख लेंगे, प्लस का टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके जैसा और कोई है ही नहीं जो उसके साथ जुड़े, ये ना कि कभी इसे इसके साथ जोड़ो, नहीं, जो जैसा है वो उसी के साथ जुड़ेगा, जैसे कि ये मान लो कि भाई बस का पहिया है तो बस के साथ ही तो लगेगा, ये थोड़ा कि बस का पहिया बस के अंदर जो साइकिल का पहिया लगा देंगे, तो वैसे ही मान के चलो भाई जो जैसा है उसको उसी के साथ करना है। ऐसे ये एक्स वाला है, मतलब कि सिर्फ एक्स, और ये भी एक्स का है, तो एक्स वाले को सॉल्व कर लेंगे, तो कितने माइनस के फाइव एक्स, अगर समझ ना आए तो ये समझाता हूँ, क्योंकि ये वाले एक्स वाले हैं दोनों, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं साइड में, माइनस का टू एक्स है माइनस थ्री एक्स, तो कितना होगा माइनस के हो जाएगा ये फाइव एक्स, क्योंकि दोनों माइनस के, ये भी दोनों माइनस माइनस साइन, तीन दो पाँच एक्स, और फिर नंबर की बारी, नंबर माइनस का छः है और प्लस का दो है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का आएगा चार, फोर आएगा, जैसे कि मैं समझा देता हूँ, माइनस का सिक्स और प्लस का टू है, तो ये प्लस का है और ये वाला माइनस, देखेंगे ज़्यादा कौन ज़्यादा ये अंक, इसका साइन कितने ज़्यादा, चार ज़्यादा, पूरी तो ज़्यादा है, मतलब साइन जो है उसका ही लगना जो बड़ा अंक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब एक और करते हैं, आई होप ये आपको समझ आए हों। इनका यूज जो है 9th 10th 11th मतलब यूज होता है, सबसे पहले तो यही है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं समझोगे आप मैथ में, कुछ नहीं कर सकते। तो इस वाले को हम ऐसे लिख लेंगे 2x की पावर 3 माइनस का 5x और माइनस का 7। अगर ये तो प्लस ही है, कोई साइन ना लगा प्लस मान जाता है, तो साइन बदल देंगे, साइन मतलब चिन्ह, प्लस है तो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है 3x² ऐसे ही, माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि इसे बदल देंगे ना, माइनस है प्लस कर लेंगे, और जो प्लस है उसे कर लेंगे, पहले तो इसे लिख लेते हैं, और प्लस है उसे कर लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, सबसे ऊपर मैंने रूल लिखाए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात ये है, इसके जैसा है कोई नहीं है, तो इसे ही लिख लेंगे। इसके बाद इससे छोटी घात का ये है, यही तो है और है ही नहीं कहीं, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पर माइनस का 3x². इसके बाद इससे छोटा ये है और एक ये है, मतलब माइनस का फाइव और प्लस का है 7 और प्लस का है 7। तो प्लस के ज़्यादा जो ज़्यादा उसके तो साइन, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम, इसके ज़्यादा इसका साइन, कितने ज़्यादा है 5 से 2 ज़्यादा है, तो 2x। अब ये माइनस का 7 है और माइनस का 2, क्योंकि भाई अंकों को करते हैं सॉल्व, x वाले के साथ, तो कितना आएगा माइनस का आएगा 9, समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी, तो 7 और 2 हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि चेन माइनस लगता है और नंबर इसके ऐड हो जाते हैं। तो चौथा एक और बताता हूँ मैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो इसे भी सॉल्व करते हैं, यहाँ सबसे पहले इसको लिख लेंगे, ओके। तो ये वाला हमने ऐसे लिख लिया माइनस का x प्लस का 9, और अगर ये माइनस है तो इसके जो ये साइन है ये बदल दिए जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है, इसकी यहाँ गुणा और इस वाले की यहाँ पर और इसकी यहाँ पे और इस वाले की यहाँ पे कर लेंगे गुणा। तो ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, और x के बाद 3 ऐसे ही आएगी, माइनस माइनस प्लस 6x² ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस होता है, इसके मैंने रूल लिखाए हैं, या फिर साइन चेंज कर दो, जो प्लस है माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, और 2x ऐसे ही, और प्लस को क्या कर लेंगे माइनस 6 ऐसे ही आएगा। सबसे पहले क्या बड़ी घात, तो बड़ी घातों में कर लेते हैं सॉल्व, एक तो ये वाली है और एक ये है, ये क्या है प्लस का, ये माइनस का, माइनस प्लस कट जाते हैं, बताई थी अगर एक जैसे होते हैं तो वो भी कैंसिल, अगर ये प्लस होता जुड़ जाते, ये माइनस होता तो 2 लिखते माइनस का 2x³, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे। जैसे कि मैं इधर समझाऊं, अगर प्लस का x है और माइनस का x है तो यहाँ पे जो है 0 लिखेंगे आपस में कट कर देंगे, तो ये तो कट गया। उसके बाद क्या आएगा छोटी घात, 3 घात का तो अब है ही ना, अब बड़ी घात क्या है 2, मतलब कि ये वाला इसके जैसा है कोई नहीं है, तो इसको पहले ही लिख लेंगे 6x². इसके बाद छोटी घात का, तो छोटी घात का एक तो ये x है और एक ये है, तो क्या है दोनों माइनस है, क्योंकि हमें समझा के दिखा रहा हूँ कि भाई माइनस का 1 और माइनस का 2x हो, तो ये वाला कितना 1 है, एक ही तो है, और ये वाला कितना 2, दोनों माइनस माइनस साइन, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3x हो जाएगा। तो इसीलिए इसे और इसे जब सॉल्व करेंगे माइनस का 3x, देखो बड़ी घात 2 घात का होगा, 1 घात का, अब उसके बाद लिखते हैं नंबर, क्योंकि इसका क्रम होता है आरोही क्रम, मतलब कि अवरोही बढ़ता फिर घटता फिर उससे छोटा। 9 को और 6 को सॉल्व करेंगे तो 9 ज़्यादा है, मतलब प्लस का ज़्यादा, प्लस साइन कितने ज़्यादा है, मतलब 6 से कितना ज़्यादा है 9, 3 ही तो ज़्यादा है, तो इतना लिख देंगे हो जाएगा इसका आंसर। अब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जो हमने बहुपदों का जोड़ना सीखा है और बहुपद का घटाना सीखा है, बहुपदों का मल्टीप्लाई सीखेंगे, मतलब गुणा। बहुपद पता ये होते हैं जो एक्स वाई वाले पद होते हैं, जैसे एक्स प्लस वन है, या वाई में भी हो सकते हैं y+1 y+2 इस तरह के। तो अब जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं गुणा, अगर मैंने तो ये बता दिया कि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, अगर ये दो ब्रैकेट लगे आपस में तो इसका मतलब भी गुणा साइन है और इसका भी, तो इसकी जो यहाँ पर गुणा कर रहे हैं सही है। तो जैसे कि भाई 2 है, अगर यहाँ पर आ जाए ऐसे, समझ आ रहा है, 2 और 5 आ जाए तो क्या लिखेंगे हम इसे, 10 लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा, बीच में गुणा साइन लगा तब भी गुणा सही है, 2 × 5 = 10। तो हम जो है इसकी गुणा करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, x में x² लिख लेंगे, x की 2 में 2x, फिर 1 की यहाँ कर लेंगे, 1
एक्स हो जाएगा, एक की दो में करेंगे दो। लेकिन सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा आज आपको। तो सबसे पहले हम इस वाले को लिख लेंगे, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले हम इस वाले को लिख लेंगे, मतलब जो भी पहला वाला डिजिट है तो इसे लिख लिया हमने। और जो आगे वाला वो सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेना, सिंपल, सबसे सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले ये एक्स ऐसे लिख लेना और जो आगे वाला है वो ऐसे ही उतार लेना, जो भी कुछ है, कुछ भी लिखा है। फिर इस वाले को उतार लेंगे प्लस का वन, अगर यह माइनस का टू होता तो माइनस टू लिख लेते, माइनस थ्री होता माइनस थ्री, मतलब यही उतारना ये वाला ही। फिर से ये उतार लेना, समझ आया, सबसे सिंपल तरीका, आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये पहले एक्स लिख लो, आगे वाला पूरा ऐसे ही, वन लिख लो ये आगे वाला ऐसे ही। अब समझना ध्यान से, ब्रैकेट का मतलब क्या, गुणा होता है, सही है। और माइनस से प्लस वाले रूल आपको पता ही, पीछे ही बताए हैं। तो इसकी जो यहाँ पर गुणा कर लेंगे और इसकी यहाँ भी, मतलब एक्स की एक्स में करेंगे गुणा। जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अगर एक्स की गुणा हम एक्स में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक है और ये भी एक है घात, तो ये घात आपस में जुड़े जाते हैं, मतलब ये एक एक दो हो जाती है, एक्स के एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर। अगर मान लो भाई एक्स घात पाँच है और उसकी करें हम एक्स स्क्वायर के साथ गुणा, तो कितना होएगा, एक्स घात होएगी सात, क्योंकि घात ये आपस में जुड़ जाती हैं, इसका आधार एक जैसा होता है ना, जुड़ जाते हैं, मतलब एक्स घात सात। तो इस तरह एक्स के एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स का होएगा स्क्वायर, समझ आया, एक्स एक्स में एक्स स्क्वायर। एक्स के दो में करेंगे तो पहले लिखेंगे दो को फिर लिखेंगे एक्स को, क्योंकि इसकी यहाँ कर रहे हैं ये तो आने ही आना है दो, और एक्स भी आएगा साथ में। यहाँ समझाऊँ, जैसे एक्स के हम दो में करते हैं गुणा तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो एक्स ही तो करेंगे, ये थोड़ा कि इसे इसके अंदर बढ़ा के ख़त्म ही कर देंगे, लिखेंगे ना दो एक्स, या फिर क्या करोगे एक्स दो लिखते, तो ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लेते हैं इसे दो एक्स, क्योंकि सीधा क्रम यही है, इसके यहाँ दो एक्स, फिर एक की करेंगे यहाँ और इसके यहाँ कर लेंगे। तो ये तो पहली बार प्लस ही है, तो प्लस प्लस की गुणा होगी, प्लस की प्लस में प्लस ही होएगा, एक की एक्स में गुणा करते तो एक्स ही आएगा, या लिखना चाहो लिख लो एक एक्स, एक तो लगाते नहीं इसलिए नहीं लिखा, एक की एक्स में गुणा एक्स आएगा, क्योंकि भाई एक की गुणा एक्स में करेंगे तो आएगा एक्स, और एक की जो है दो में गुणा करेंगे। अब यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस की प्लस में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, प्लस की प्लस में गुणा करेंगे प्लस, एक के दो में गुणा करेंगे दो, क्योंकि एक का पहाड़ा दो में पढ़ लेंगे तो एक दो नहीं हो जाएगा दो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात, पूरे में सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है, तो इसे लिख लेंगे। उसके बाद इससे छोटी, छोटी घात क्या, दो घात के बाद ये है, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आपस में। तो दो ये है और ये वाला कितना, एक एक्स, तो दो और एक तीन एक्स होएगा, प्लस का तीन एक्स। फिर नंबर, नंबर तो अकेला है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो बड़ी घात छोटी घात फिर नंबर इतने ही लिख लेंगे, या ना कि इन सभी को भी जोड़ देंगे, नहीं, अलग अलग घात के होंगे। तो आई होप ये आपको समझ आए हो। अब इसके बाद करेंगे इसको सेकंड वाले को, तो ये भी कुछ इसी तरह है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको लिख लेंगे एक्स को, मतलब ये फर्स्ट वाला, जैसे कि हमने ऊपर करा है फर्स्ट वाले को लिखा, और ये सारा उतार देना है ऐसे ही, ब्रैकेट भी लगाना है इस पर, कहीं ब्रैकेट इन लगाओ। फिर ये माइनस का वन लिखेंगे, इसी के आगे माइनस वन लिख लिया, आगे वाला ऐसे उतार लेना है। पहले एक्स लिखा, आगे वाला ऐसे उतारा, माइनस एक लिखा, आगे वाला ऐसे उतार लिया। अब एक्स की एक्स में गुणा करनी है, इसकी यहाँ एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर होएगा, एक्स की तीन में करेंगे क्या लिखेंगे, प्लस तीन एक्स, क्योंकि पहले तीन को लिखते हैं फिर एक्स। अब आती है बारी यहाँ पर, क्योंकि प्लस का है, प्लस साइन है ना, रेख भी छुपा है, तो प्लस छुपा हुआ है। पहले जो चिन्हों की करते हैं गुणा, मतलब कि पहले चिन्हों की, चिन्ह की चिन्ह में होएगी, सही है, प्लस माइनस जो भी है। फिर नंबर की होएगी, नंबर की नंबर में जैसे पाँच है तीन है जो भी है। फिर होती है एक्स वाले पदों की, जैसे एक्स की होएगी एक्स में गुणा, कुछ इस तरह। तो पहले चिन्हों की होएगी गुणा, फिर होएगी नंबरों की, फिर होती है एक्स वाले पदों की, मतलब चिन्हों की चिन्ह में ही, नंबर की नंबर में ही, और एक्स वाले की एक्स में ही। तो यहाँ पर आ जाओ, चिन्ह की चिन्ह में होगी, माइनस की प्लस में माइनस होती है, माइनस प्लस माइनस होता है ना गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, और एक की एक में, यहाँ समझो एक है, एक छुपा ना, तो एक की एक में भी एक हुई, एक लिखेंगे नहीं, और एक्स साथ में आ जाएगा।
ऐसे यहाँ माइनस की प्लस में गुणा, यहाँ भी तो नहीं है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और एक की तीन में करेंगे तीन होएगा। एक सबसे सिंपल तरीका फिर समझो, अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल दो, मतलब कि ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर लिया, सिंपल। अगर माइनस है बाहर तब अब वही करना जो कि ऊपर करा है, सबसे बड़ी घात तो सबसे बड़ी ये है एक्स स्क्वायर वाली लिख ली, इसके बाद इससे छोटी एक तो ये है एक ये है, दोनों कितने होंगे, ये हो जाएंगे 2x, क्योंकि भाई रूल वही लगेगा जो पीछे लगाए, रूल तो वही जोड़ने घटाने के लगेगा भाई, इसके ज़्यादा इसका साइन सही, कितने ज़्यादा तीन में से एक घटाया दो, क्योंकि एक छुपा ना, और ये वाला ऐसे उतार लेंगे माइनस का 3, क्योंकि ये तो ऐसे उतर जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह ये वाला है, तो इसे भी हम कर लेते हैं सॉल्व। पहले क्या करेंगे, एक्स को उतार लेंगे, आगे वाला ऐसे ही कितना ही बड़ा हो कुछ भी हो ऐसे उतार लेना है, 3x-2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, माइनस का 2 लिख लेंगे इसी के आगे, -2 आगे वाला ऐसे उतार लेना है 3x-2। तो यहाँ पर जो एक्स की कर लेंगे गुणा, और इसकी यहाँ कर लेंगे, एक्स की यहाँ करेंगे तो पहले क्या है नंबर को लिखेंगे, तो नंबर लिख लिया 3, और एक्स की एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स की हो जाएगी 2 घात, एक्स के ऊपर लगेंगे घात का भी इस पर लगा दो 3, एक्स एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स ही यहाँ करेंगे तो ये तो प्लस है एक तरह से, प्लस छुपाना है, प्लस की माइनस में गुणा होती है माइनस होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो प्लस माइनस माइनस। एक्स की 2 में गुणा करेंगे तो पहले लिखेंगे 2 फिर लिख लेंगे एक्स, ऐसे मैंने अभी ऊपर बताया, पहले नंबर फिर एक्स, इस तरह ये वाले क्या प्लस छुपा, क्योंकि इसकी यहाँ तक होगी गुणा, अब इस वाले की यहाँ करनी है, तो ये प्लस है, माइनस है बाहर तो अंदर के साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस कर लो, या ये समझो माइनस प्लस माइनस, 2 की 3 में गुणा 2 होगा 6, 2 3 6 होगा, और एक्स है ये साथ में तो एक्स ऐसे लगा देंगे। अब इसकी जो यहाँ पर गुणा होगी तो माइनस की माइनस में गुणा प्लस, या ये कह लो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल दो, अंदर का बदला माइनस है प्लस कर लिया, 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ लेना 4, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। सबसे बड़ी घात सबसे बड़ी ये है 3x स्क्वायर, उसके बाद इससे छोटी क्या, एक तो ये वाला और एक ये है, दोनों माइनस है तो माइनस साइन, 6 और 2 8x हो जाएगा, क्योंकि भाई ऐसे बताया है ना मैंने पार्ट 1 में बताया विस्तार से कि दोनों माइनस माइनस साइन, अंक इसके जोड़ने हैं 2 और 6 जोड़ लो 8x होगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आए हो, तो इनको सॉल्व और करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट 3 बना देंगे, उसमें डिवाइड का ही बताएंगे सारा, मतलब कि सभी में डिवाइड ही करेंगे, 10 क्वेश्चन बनाऊंगा कम से कम, और पहले इन्हें कर लेते हैं। सबसे पहले 2x लिख लेंगे, आगे वाला ऐसे उतार लेना है 5x-7, फिर माइनस का 3 उतार लेंगे, आगे वाला ऐसे उतार लेंगे 5x-7, पहले 2x, आगे वाला ऐसे उतार लेना -3, आगे वाला ऐसे उतारना जैसा कि पीछे करा है। अब जो यहाँ पर गुणा करनी है, इसकी यहाँ कर लो, इसकी यहाँ कर लो, 2 की 5 में 10, 2 5 जो 10, और एक्स के एक्स में करेंगे एक्स हो जाएगा स्क्वायर। अब एक ज़रा चीज़ और सुनना, ज़रा बात सुनो कि भाई 2 5 10 होगा, ये ना कि 10 की 0 लगाते हैं यहाँ पर, कैरी 1 करते हैं हासिल 1, ऐसा नहीं होता इसमें। अगर 24 आया तो 24 का 24 ही लिखेंगे, जो आया वो लिखेंगे, तो 2 5 10 होगा एक्स के एक्स में एक्स स्क्वायर 2 की 7 में, क्योंकि अब ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 की 7 में 2 7 होएगा 14 है, और एक्स यहाँ पे है 1 ही तो एक्स ही लाएगा। अभी ये क्या है प्लस का है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो इसकी यहाँ गुणा कर लो और इस वाले की यहाँ कर लो, माइनस की प्लस में गुणा करता है माइनस होता है, 3 की 5 में करेंगे 3 5 हो जाएगा 15, और एक्स तो है ये साथ में एक्स लगाएंगे, क्योंकि नंबर की तो हमने कर ली, पहले चिन्हों की कर ली फिर नंबर की कर ली, अब एक्स वाले की, तो एक्स वाला इधर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले एक्स को लिखेंगे 3 5 15x, और माइनस माइनस होएगा प्लस, या ये कह लो बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल लो, प्लस था माइनस कर लिया, माइनस था प्लस कर लिया, और 3 की 7 में गुणा कर लेनी है, क्या कह रहा हूँ मैं, गुणा करनी है मल्टीप्लाई, तो 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा, सही है, ये ना कि कभी जोड़ लो ही ना, गुणा करनी है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, समझ आ रहा, गुणा होता है ब्रैकेट का मतलब। तो सबसे पहले बड़ी घात पूरे में, तो बड़ी ये है
टेन एक्स स्क्वायर, इसके बाद छोटी घात, छोटी का एक्स का ये है और ये है, दोनों ही तो एक्स के हैं, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमने जोड़ने के और घटाने में करे ना बहुपद में, वही करना, दोनों माइनस माइनस साइन, 14 और 15 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 29 एक्स, एक्स भी तो एक्स लगाएंगे, फिर नंबर को लिख लेंगे नंबर ऐसे ही, तो बड़ी घात छोटी घात नंबर, ये हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह कर लेते हैं इसको सॉल्व, सही है। और ये लास्ट क्वेश्चन भी है और समझना अच्छे से, फिर किसी भी तरह के होंगे आप इजी तरीके से कर लोगे। और दोस्तों पहली बार चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर मतलब 9th से लेकर इंटर तक मैथ मिल जाएगी और भी अदर विषय की मिल जाएगी, पंजाबी उर्दू की भी वीडियो भी मिल जाएंगी चैनल पे। अभी तो बनाई है नहीं, मतलब बना दूंगा मैं, तो मतलब सब कुछ मिलेगा इस पे, पढ़ाई से संबंधित चीज़ें और मतलब एकदम सटीक नॉलेज मिलेगी आपको। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़रूर अगर नहीं किया तो, और दोस्तों के साथ कर लो शेयर। तो सबसे पहले 2x लिख लेंगे, आगे वाला ऐसे ही, कितना भी बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत ना, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। ओके, पहला ये आगे वाला ऐसे उतार लिया, फिर लिखेंगे इसे, अगर यहाँ दो होता दो लिख लेते, यहाँ पे माइनस का 1 लिख लिया ये वाला, और ये सारा फिर से उतार देना है। आई होप ये आपको समझ आए कि पहले 2x और ये सारा ऐसे ही, फिर ये आगे वाला ऐसे ही। अब इसकी यहाँ गुणा, इसकी यहाँ पर और इस वाले की यहाँ पर कर लेनी है, तो 2 की 2 में करेंगे 4 आएगा, x की यहाँ करेंगे कितना होएगा 3 घात, क्योंकि भाई 2 ये है और 1 ये घात है तो 3 ही तो होगी। अब इस वाले की यहाँ पर करनी है मतलब इसकी, तो ये प्लस का एक तरह से है क्योंकि प्लस छुपा रहता है, प्लस की माइनस में करते हैं माइनस होता है, और 2 की 5 में गुणा करेंगे 2 पंजे हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, एक्स की एक्स में करेंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स ये है एक ये, तो एक्स की हो जाएंगे 2 घात, समझ आ रही है। तो 2 की फिर 3 में गुणा, प्लस की माइनस में माइनस, 2 की 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 6 2 3 6, और ये वाला एक्स तो है ही, तो एक्स लगाएंगे, अगर यहाँ भी एक्स होता तो एक्स की एक्स में गुणा हो जाती है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस 2x की हमने यहाँ कर ली गुणा यहाँ तक, अब 1 की करनी है, समझ आ रहा है, इस वाले 1 की यहाँ पे मतलब साइन से इसकी यहाँ पे और इस वाले की यहाँ पे, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल लो, ये क्या प्लस का है, प्लस मैंने दिखाया है लगा के, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 1 की 2 में गुणा 2 आएगा, 1 दूनी 2, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, यही कह लो माइनस प्लस माइनस और 2x स्क्वायर ऐसे ही, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस, इसकी जगह पर आ जाएगा प्लस साइन, समझ आ रहा है, क्योंकि अंदर के साइन बदल देते हैं जब बाहर माइनस हो, तो माइनस प्लस माइनस, 1 की 5 में गुणा तो 5 आएगा, 1 पंजे 5x, अब ये वाला साइन क्या होगा बदल जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस गुणा करते हैं जब, और 1 की 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, समझ आया ये, मतलब अंदर कर लेने इसकी गुणा, इसके यहाँ कर लेने कोई दिक्कत ना, जैसे ऊपर करा वही है। अब सबसे पहले बड़ी घात, पूरे में बड़ी घात का कौन है, 3 घात वाला ये है, तो इसी को लिख लेंगे 3 घात वाले को, मतलब 4x घात 3, उसके बाद छोटी घात का, छोटी घात का एक तो ये वाला है और एक ये है, 2 घात है ना, दोनों 2 घात का, तो दोनों माइनस है, दोनों माइनस माइनस साइन, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा स्क्वायर में, फिर x वाला, क्योंकि बड़ी घात 3 घात का होगा 2 घात का, अब 1 घात का, तो 1 घात का एक तो ये है 6x और एक है प्लस का 5, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों कितना होएगा माइनस का होएगा एक्स, क्यों होएगा भाई, क्योंकि माइनस के ज़्यादा माइनस साइन, कितने ज़्यादा 5 से कितना ज़्यादा 1 ही तो ज़्यादा, तो 1x, अब 1 लिख के दिखाएंगे ना। अब नंबर की बारी, क्योंकि भाई बड़ी घात छोटी घात एक्स वाले हो गए, अब नंबर की बारी, नंबर में 3 है, 3 के जैसा कोई होता अलग तो उसे जोड़ या घटा ले तो उसके साथ सॉल्व होता ना है, तो ये 3 ऐसे ही उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये आपको समझ आए हो, अगर भाई चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और क्या कहते हैं पार्ट
3, मतलब ये तो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 3 मैथ का जो बेसिक रहेगा उसमें मैं सिर्फ ये जो अभी मैंने बताया बहुपदों की गुणा, तो बहुपदों की भाग होगी, बहुपदों में भाग कैसे करते हैं, तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा, क्योंकि वो सबसे हार्ड बन जाती है, तो ईजी से समझ आ गए उन्हें आप कर करके भी गलत करोगे, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँगा और अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।